जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भोज है मध्य प्रदेश, यहाँ पे भोज ओपन यूनिवर्सिटी, कहने का मतलब अगर आप प्राइवेट के माध्यम से है ना अपना डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं ना, अगर आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है तो यहाँ से आप क्या है बीए बीएससी यहाँ पे कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं और अन्य तरह की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं ना। यहाँ पे जो भोज ओपन है यूनिवर्सिटी है, तो इनका यहाँ पे जो एडमिशन लेने का डेट क्या रहने वाला है, यहाँ पे 2024 की हम बात कर रहे हैं ना, इनका एडमिशन लेने के लिए क्या डेट रहने वाला है और इनका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, अप्लाई करने के लिए क्या डेट रहने वाला है, इनकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं ना इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप यहाँ पे 12th पास हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे यहाँ पे अपना डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं बीए बीएससी और फिर बीकॉम है ना और अन्य तरह की डिग्री, तो उनको क्या है आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं है ना। बस आपको फॉर्म अप्लाई करना है और यहाँ पे जो भी शर्तें हैं उसको आपको पूरा करना है ना। और सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे क्या है, इनका जो रजिस्ट्रेशन मतलब एडमिशन के लिए एक डेट रखा जाता है कि अगर आपको यहाँ पे भोज ओपन यूनिवर्सिटी सिटी से अगर आपको करना है ना बीए बीएससी या बीकॉम है ना, और या फिर कह दें अन्य तरह की और डिग्री हो गया, उनको प्राप्त करने के लिए ना आपको यहाँ पे डेट निकाला जाता है, इस डेट से इनकी है ना आपको एडमिशन लेना रहता है। और यहाँ पे एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको जो भोज के माध्यम से है ना मतलब कि ओपन, देखिए मध्य प्रदेश भोज यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है ये आपको प्राइवेट के माध्यम से, कहने का मतलब घर बैठे यहाँ पे अपना डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमको डिग्री प्राप्त हो जाए घर बैठे है ना, तो इसको आप क्या करते हैं, इसमें आप अप्लाई करेंगे है ना, एडमिशन लेंगे, इसके माध्यम से आपको क्या है वहाँ पे आपका वहाँ पे डिग्री कंप्लीट हो जाएगा है ना, जो कि बीए बीएससी बीकॉम और अन्य तरह की यहाँ पे जो डिग्री है ना। तो अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना, तो आपको एक समय सारणी पता होना चाहिए कि इनका जो अप्लाई करने का डेट कब से कब तक रखा गया है ना, यहाँ पे 2024 की हम बात कर रहे हैं। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम और अन्य तरह की कोई भी यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं या फिर है ना डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं घर बैठे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका डेट समय सारणी को यहाँ पे पता होना अति आवश्यक है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए इनका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट, इसी को हम यहाँ पे निकाल कर बैठे हैं, कहने का मतलब ओपन कर लिए है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अगर आप अपने मोबाइल से खुद चेक करना चाहते हैं भोज के मेन ऑफिशियल वेबसाइट को, तो आपको लिखना है mpbou.ed है ना u.in, इस प्रकार से लिख कर फर्स्ट जो वहाँ पे लिंक आएगा उसको क्लिक करेंगे, तो इसी प्रकार से इनका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा है ना। अब यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड में इस प्रकार से इसको देखेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो यहाँ पे डेस्कटॉप मोड है, इसको क्या है आपको क्लिक कर देना है ना। उसके बाद यहाँ पे ओपन होने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं है ना, तो इनका मेन ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी सर्च करें, अगर आप यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम है ना और अन्य तरह की यहाँ पे अगर डिग्री कम्प्लीट करना चाहते हैं है ना घर बैठे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्म को आपको अप्लाई कर लेना है, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो भी फीस है उनको है ना आपको भरना है। उसके बाद आपको क्या है कॉलेज का चुनाव करना रहता है कि आप किस कॉलेज से है ना भोज यूनिवर्सिटी, कहने का मतलब कि आप करना चाहते हैं अपना डिग्री प्राप्त है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो समय सारणी चेक करने के लिए ना यहाँ पे देखो लिखा है ऑनलाइन है ना एडमिशन, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे है ना अन्य तरह के मतलब कि सभी प्रकार के यहाँ पे डिग्री आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो बीएड डीएड ये सब करने के लिए भी डेट रखा गया है, एडमिशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखो क्लिक हियर लिखा है ना, हमको क्या है फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लेना, अगर आप फर्स्ट ईयर मतलब कि फर्स्ट साल में एडमिशन लेना चाहते हैं और करना चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम, तो इसके लिए क्या करो यहाँ पे देखो लिखा है एडमिशन फॉर्म है ना, तो इसको क्या करोगे आप क्लिक किया लिखा, तो इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखो ओपन हो चुका। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके सबसे नीचे आ जाना है, सबसे लास्ट में नीचे आ जाना है इस प्रकार से स्क्रॉल करके। अब यहाँ पे देखो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो लिखा है अप्लाई बीए बीएससी बीकॉम है ना, और यहाँ पे इस प्रकार से फर्स्ट ईयर है न्यू स्टूडेंट है ना, यहाँ पे आप एडमिशन आप ले सकते हैं। इनका जो एडमिशन लेने का जो डेट रखा गया है 25 जून से है ना 31 जुलाई इसका लास्ट डेट रखा गया है, कहने का मतलब अगर आप 25 और 31 के बीच में आपको क्या है इस फॉर्म को भरना है ना इसमें एडमिशन लेने के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद आपको क्या रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप कौन से कॉलेज से करना है भोज वहाँ पे यूनिवर्सिटी आएगा ना चुनाव करने के लिए, अपने नजदीकी वहाँ पे भोज यूनिवर्सिटी जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे उस फॉर्म को फिर आपको जमा करने जाना पड़ेगा है ना, फिर आपको वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको क्या घर बैठे आपको जब भी एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जाना है एग्जाम देने, बस यही प्रक्रिया आपको करना है, आपका यहाँ पे डिग्री आपका कंप्लीट हो जाएगा है ना। आपको जितने वर्ष का यहाँ पे आपको आप बता दें आपका जो डिग्री है यहाँ ना इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपका डेट यहाँ पे हम बता दिए हैं कि आपको है ना 25 जून से यहाँ पे 31 जुलाई इसका डेट रखा गया है लास्ट है ना, तो इसी डेट
स्टेट में आपको क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है और उस कॉलेज का चुनाव कर लेना है जहाँ पे आप करना चाहते हैं ना। ओपन मतलब कि ये प्राइवेट सिस्टम रहेगा, आपको नहीं कॉलेज जाना पड़ेगा रेगुलर। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी जानकारी आपको दिए हैं आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हमको कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।